अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो लेक्चर हमने 9 डिस्कस करना है। चैप्टर 8 का हम स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 8 के अंदर हमने पीछे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो आज जो हमने देखना है वो एप्लीकेशन ऑफ केसी देखनी है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है जब भी रिएक्शन का, तो उसके अंदर हमने देखना है कि उसको हम किन किन चीज़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब केसी अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन का दिया गया हो तो हम उसको देखकर क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, ये होती है एप्लीकेशन ऑफ केसी। तो एप्लीकेशन ऑफ केसी के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें होती है। हम केसी की वैल्यू को देख के एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं और दूसरा जो है वो क्या बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की सीमित क्या होगी और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट कहते हैं हद को, मतलब रिएक्शन किस हद तक पहुंच चुका था कि इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हुआ। ठीक है जी। तो हमारे पास दो ही पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों चीजों को आज जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, हमने करना क्या है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सैंपल डाला है और वाटर बन रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, जब हमने डाला होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अंदर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डाल रहे हैं तो रिएक्टेंट्स होंगे अभी, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर यानी जीरो होंगे। ठीक है जी। तो अभी रिएक्शन स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे और वाटर होगा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी और जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। ठीक है जी। तो मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले समझा रखा है पिछले टॉपिक्स के अंदर, वैसे ही एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स है। अब रिएक्टेंट्स जो है लेट्स से हम कह देते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स इसके अंदर क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चाहे ना हो, हमने कॉन्सेप्ट समझना है इसके अंदर। तो अब रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो 100% क्या चीज मौजूद होगी, रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो ना होने के बराबर यानी 0% होगी। ठीक है जी। अब जैसे जैसे रिएक्शन कैरी आउट होगा डेफिनेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे होंगे, वाटर बना रहे होंगे। तो इसकी परसेंटेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसकी परसेंटेज लेट से मैं कहता हूं कि यहां पर 70 है और यहां पर कितनी है, 30 है। और जब इसकी 60% रह जाती है और इसकी 40% हो जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो सैंपल के अंदर अगर हम मालूम करेंगे तो 40% है और रिएक्टेंट जो है वो 60% है, तो उस केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर मिकदार पर नहीं होता, वो हमेशा कब होगा कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो जाए। अगर रिएक्शन का रेट यहां पर बराबर हो गया है 90 और 10 पर, कि यहां पर आगे अगर 5 रिएक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट से 5 रिएक्टेंट वापस आ रहे हैं, तो उस केस में भी यहां पर भी 90 और 10 पर भी इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है। इक्विलिब्रियम की मेन शर्त यह है कि रिएक्टेंट सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है का जो रेट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो जाएगी बात। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट कहीं भी इक्वल हो सकता है और जहां पर इक्वल हो गया वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो अब लेट से हम ये कहते हैं कि 60 और 40 पर क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो मतलब अगर 5 आगे जा रहे होंगे डेफिनेटली जो 5 है वो पीछे आ रहे होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो चुका है। तो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो चुका है तो इस लम्हे पर जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, क्या चीज, इस लम्हे पर अगर हम मालूम करेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन
ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट जो है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो आप इक्वेशन खुद ही बना सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका स्क्वायर लेना है, ऑक्सीजन वैसे ले लेना है कंसंट्रेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें आप खुद बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको यहां पर समझा रहा हूं कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स जो है वो आएंगे। अब ये वाला जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा इस पॉइंट पर, इसको हम कहेंगे केसी। क्या कहेंगे? केसी। तो अगर इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है और उस लम्हे पर हम प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट रख रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास रेशो आएगी उसे हम क्या कहेंगे? केसी कहेंगे। तो इसकी वैल्यू लेट्स से हम कहते हैं कि 40 ओवर 60 कर रहे हैं, ठीक है जी, 40 ओवर 60 कर रहे हैं और ये आई है 0.667 आ गई है, क्लियर है जी। तो अब इस लम्हे पर जो आई है वो क्या आई है? 0.667 जो है वो क्या आ गई है हमारे पास, केसी की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हम करते क्या है कि हमने रिएक्शन, जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो बीकर के अंदर क्या किया है, हाइड्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला और रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है तो वाटर बन रहा है। तो अब हमने करना क्या है, हम किसी भी लम्हे क्या करेंगे कि सैंपल निकालेंगे उसके अंदर से, मतलब एक बीकर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे और सैंपल को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे कि उसके अंदर कितने परसेंट प्रोडक्ट है और कितने परसेंट रिएक्टेंट है। जब हमने मालूम किया तो लेट्स से हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जब मालूम किया, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, थोड़ी देर हुई थी और मैंने मालूम किया तो रिएक्टेंट जो है 90% था और जो प्रोडक्ट था वो 10% था, ठीक है जी। तो क्या था कि अब जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अब यहां पर जो था लेट्स से मैं कह देता हूं कि प्रोडक्ट जो सिर्फ कम बने थे 10 बने थे और यहां पर रिएक्टेंट जो थे वो कितने थे, 90 थे। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी 0.111 इतनी आएगी, ठीक है जी। अब 0.11 आई है और ये जब मैंने कहा है कि प्रोडक्ट अभी 10 बने हैं और रिएक्टेंट 90 है और अभी इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ, तो अगर इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ तो इस लेवल पर या इस हम कहेंगे क्या कहेंगे कि इस पोजीशन पर जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा उसे हम केसी नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है जी। तो बात को समझना है कि केसी जो है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम पर मालूम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट केसी होगा, लेकिन अगर हम किसी भी लम्हे मालूम कर रहे हैं जहां पर इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ तो किसी भी लम्हे अगर मालूम कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, क्यूसी होगा। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा, क्यूसी के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है जी। तो अब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट क्या आ गया है, 0.11 आ गया है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा होता है रिएक्टेंट कम होता है इक्विलिब्रियम के लिहाज से, ठीक है जी। तो एक और वैल्यू लेके और फिर दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आया, अब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन गया है, इक्विलिब्रियम पर 40 बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन चुके हैं। यानी अगर प्रोडक्ट में कहता हूं कि लेट्स से अब यहां पर जो क्यूसी आया है कि प्रोडक्ट 80 बन चुके हैं और रिएक्टेंट जो है वो 20 रह गए थे, ठीक है जी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो लेट्स से 4 आया है हमारे पास क्यूसी। अब यहां पर हमने करना क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है, जब भी रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है तो हमेशा उसने किस तरफ जाना होता है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है, डेफिनेटली। अब इक्विलिब्रियम की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन को हमेशा क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी हमेशा किस तरफ आएगी, इक्विलिब्रियम पर जब पहुंचेगा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो स्टेबिलिटी की तरफ हमेशा जाना है। तो अगर वो क्यूसी जो वैल्यू है, अब इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है वो केसी होता है, मतलब केसी की वैल्यू आनी चाहिए। अगर केसी, अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू छोटी आ रही है तो उसको बड़ा करके केसी के इक्वल करना है, और अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसको छोटा करके हमने क्या करना है, केसी के इक्वल करना है, ठीक है जी। तो ये हमें पता है। तो अब हम करते क्या है, हम वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्यूसी की वैल्यू यहां पर क्या है, कम, ठीक है जी, क्यूसी की वैल्यू कम है। अब इसको क्या करना है, ज्यादा करना है, हमने क्या करना है, केसी के इक्वल करना है। अब केसी के इक्वल कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा करना है,
ऐसे ही ना, 0.11 है और यहां पर 0.66 है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसके इक्वल करने हैं तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा। अब ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये जो QC है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, मतलब ऊपर वाली नॉमिनेटर जो होती है उसके क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिनोमिनेटर की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर हमने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज को ज्यादा करना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली अगर चीज ज्यादा होगी तो QC भी ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट को ज्यादा करना है। और प्रोडक्ट कब ज्यादा हो सकता है, जब डेफिनेटली फॉरवर्ड की डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि जब QC की वैल्यू कम है और हमने बड़ी करके KC के इक्वल करना है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, तो रिएक्शन क्या होगा, अगर QC की वैल्यू KC से छोटी है तो हमने बड़ा करना है, और बड़ा किस केस में होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, यानी रिएक्शन किस समय में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है जी, तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, QC की वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी आ गई है, हमने क्या करना है, इसको छोटा करना है। छोटा कब कर सकते हैं, कि इन्वर्सली वाली चीज को ज्यादा करें। ठीक है जी, अगर इन्वर्सली वाली चीज को ज्यादा करेंगे तो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं ना, तो एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। तो रिएक्टेंट को ज्यादा करना है, तो रिएक्टेंट को ज्यादा कब कर सकते हैं, जब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स वाली डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ रहे हो, तो अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC से छोटी है, इसको बड़ा करना है, प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर QC की वैल्यू क्या है, बड़ी है, इसको छोटा करना है, छोटा किस केस में कर सकते हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा करनी है, और रिएक्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब रिएक्शन कहां जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो QC की वैल्यू अगर छोटी है तो फॉरवर्ड, और अगर QC की वैल्यू बड़ी है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और ये एक ही लाइन के अंदर लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कैसे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है, कि अगर QC की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं और मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है या नहीं हुआ, लेकिन QC की वैल्यू जब मैं मालूम करता हूं, तो हमारे पास वैल्यू आती है QC 40/60 और ये आ जाती है 0.667। ठीक है जी, अब QC की वैल्यू किस चीज के इक्वल आ गई है, KC के इक्वल आ चुकी है। तो मतलब क्या है कि अब जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर मौजूद है। तो इसलिए अगर इक्विलिब्रियम पर पहले से स्टेबल है कोई चीज, तो ना आगे जाएगी और ना पीछे जाएगी। तो जब QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाएगी, तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ना ही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है जी, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस केस में जब QC की वैल्यू छोटी थी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा हो गई थी रिवर्स से, और जब इस केस में जब बड़ी वैल्यू हो गई थी तो रिवर्स वाली डायरेक्शन जो है वो ज्यादा हो गई थी। और वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज्यादा हो गई थी और क्यों कम हो गई थी, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन क्यों हुई थी, वो QC को अगर छोटा था तो बड़ा करना था, और QC की वैल्यू बड़ी थी तो हमने उसको छोटा करना था, और जब बराबर थी तो ना बड़ा करना है ना छोटा करना है, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ केसी के अंदर हम केसी जो है उसकी वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक पहुंचा था कि इक्विलिब्रियम कायम हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन जो है वो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है, जरूरी नहीं है कि 50 रिएक्टेंट और 50 प्रोडक्ट हो। अब ये भी नहीं है कि मतलब रिएक्टेंट 50 और प्रोडक्ट 50 होगा तो इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट कम हो या प्रोडक्ट कम हो तब भी इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है। बराबर अगर अमाउंट के अंदर ना भी हो तब भी हो सकता है, बराबर हो तब भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन हम कैरी आउट करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हमने देखना है। अब तीन ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि व्हेन केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है जी, क्या है, व्हेन केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, व्हेन केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, व्हेन केसी वैल्यू इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। ठीक है जी, जब केसी की वैल्यू ना ही बहुत बड़ी है और ना ही छोटी है। पहले हमने क्या कहा कि केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि रिएक्टेंट कितने होंगे, प्रोडक्ट कितने होंगे, रिएक्शन कब कायम हुआ है,
और इक्विलिब्रियम कब कायम हुआ है, सॉरी। तो फिर उसके बाद क्यू सी की वैल्यू जब छोटी है उस केस में हम क्या देखेंगे, और फिर जब के सी की वैल्यू ना छोटी है ना बड़ी है फिर हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले है जी के सी की वैल्यू बहुत बड़ी है। अब हमें पता है कि के सी हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। ठीक है जी, के सी क्या होता है, के सी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है ये, तो प्रोडक्ट ओवर हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है। तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो के सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ज्यादा किस केस में हो सकती है, प्रोडक्ट ज्यादा हो या रिएक्टेंट ज्यादा हो? डेफिनेटली के सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्ट के। तो अगर के सी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थे और रिएक्टेंट ना होने के बराबर थे। ठीक है जी, तो रिएक्शन जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर आया जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थे और रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर थे। तो प्रोडक्ट कब ज्यादा हो गए, जब रिएक्शन कैरी आउट होता है तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं। और जब रिएक्शन आगे जा रहा है तो अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब रिएक्टेंट से ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो दो पॉइंट से हम केसी को जब बड़ी वैल्यू हो तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ये है कि जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिएक्टेंट ना होने के बराबर है, तो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और जब रिएक्शन कैरी आउट होता है तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और जब सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं तो ऑलमोस्ट रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास, When KC value is neither sorry, when KC value is very small, जब KC की value बहुत छोटी होती है उस वक्त क्या होगा? तो जब KC की value छोटी है तो definitely inversely वाली चीज बड़ी होगी, तो reactant ज्यादा होगे। जब KC की value ये वाली चीज छोटी है तो कब कब छोटी होगी, क्या चीज ज्यादा हो? definitely reactant, क्योंकि वो inversely proportional है। तो अगर reactant ज्यादा होंगे तो KC की value बहुत छोटी होगी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम कब कायम होगा कि थोड़ा मतलब अब रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, मतलब थोड़े से प्रोडक्ट बने हैं। तो रिएक्शन से सिर्फ एक दो प्रोडक्ट बन गए होंगे या दो तीन प्रोडक्ट बन गए होंगे, और उस केस के अंदर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इक्विलिब्रियम कायम होने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, रेट बराबर होना जरूरी है, फॉरवर्ड का और रिवर्स का रेट बराबर होना जरूरी है। ठीक है जी, तो यहां पर जब केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। और दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है कि ऑलमोस्ट रिएक्शन अभी थोड़ा सा चला ही था, ठीक है जी, अभी स्टार्ट ही हुआ था कि इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो तीसरा पॉइंट है जी, व्हेन केसी वैल्यू इज नाइदर स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कंपेरेबल फैशन के अंदर मौजूद होंगे, ना रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे, वो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर हम कर सकते हैं। जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है या छोटी होती है तो उस केस में क्या होता है कि एक चीज बहुत ज्यादा होती है और एक चीज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर क्या है कि जब नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना बड़ी है ना छोटी है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करने का मुराद ये नहीं है कि 50-50% मौजूद है, वो ये हो सकता है कि 40-60 हो सकता है, इवन 10-90 भी हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो जाती है तब तो कंपेयर ही नहीं कर पाते, 10 रेज टू पावर में होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो फर्क होता है, जो गैप होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और साथ में क्या था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ केसी, और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है उसके बारे में देखेंगे। तो कोशिश करेंगे वो एक लेक्चर के अंदर हो जाए, नहीं तो एक एक पॉइंट जो है, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कैटलिस्ट है, उनको एक एक पॉइंट के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।